1980 का दशक भारतीय राजनीति में नए बदलावों का दशक था। आज हम इन्हीं बदलावों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, वो कौन से बदलाव हुए भारतीय राजनीति में जिनका प्रभाव भारत के इतिहास में या भारत के राजनीतिक इतिहास में आज तक भी दिखाई देता है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, इनको 5 कैटेगरी के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेनली ये जो बदलाव हुए हमारे सिलेबस के अनुसार, इनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिन्होंने भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी अपनी छाप छोड़ी है। तो 1980 के डिकेड में इंडियन पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट्स हुई थी उनको 5 कैटेगरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली का अंत। यही वो दशक था, यही वो डिकेड था जब कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। भारत की आजादी के बाद लगातार कांग्रेस का केंद्र सरकार, केंद्र के स्तर पर सरकार बनाने में मुख्य भूमिका रही और इसको बहुमत भी हासिल हुआ लगातार। इसने 1977 को छोड़ते हुए अगर हम देखें तो उससे पहले लगातार कांग्रेस को बहुमत मिला, और इसी को कहा गया था कांग्रेस प्रणाली, जिसमें मेन जो केंद्र में होती थी वो कांग्रेस पार्टी होती थी। राजनीति के केंद्र में या दलीय प्रणाली के केंद्र में, पार्टी सिस्टम के सेंटर में कांग्रेस होती थी, इसीलिए इसको कांग्रेस सिस्टम कहा गया। बट नाउ अब वो जो कांग्रेस सिस्टम था वो खत्म हो गया। 1989 में कांग्रेस सिस्टम का एंड हो गया, कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। ऐसा क्या हुआ? 1984 में इलेक्शन जब हुए थे, 1984 में तब कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 415 सीटें मिली थी, 415 सीटें मिली थी। लेकिन 1989 में बहुत कम सीटें, कितनी? 197 सीटें कांग्रेस को मिल पाई, बहुत कम सीटें। 415 बहुत होता है जी, और उससे कम 197 सीट। इसका मतलब इन 5 सालों में कांग्रेस ने अपनी नीतियों में उतना जन कल्याणकारी नीतियों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया। शायद हो सकता है कुछ तुष्टिकरण की नीति भी उन्होंने अपनाई है। इसी चैप्टर हम पढ़ेंगे कि सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा तुष्टिकरण की जो नीति अपनाई गई थी, 1986 में एक एक्ट लेकर आई थी, और उस एक्ट को माना गया कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए लाया गया है। और मैं मानता हूँ इतनी बड़ी जो गिरावट हुई है 415 सीटों से लेकर 197 सीटों तक जो गिरावट हुई कांग्रेस की, उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। एनीवे, जो भी हुआ वो हमारे सामने प्रस्तुत है कि कांग्रेस प्रणाली का क्या हो गया? अंत हो गया। कांग्रेस प्रणाली का अंत का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस का अंत हो गया। कांग्रेस अभी भी है, आज भी है, आप देख रहे हो आज भी है। कांग्रेस प्रणाली का अंत का मतलब है दलीय प्रणाली में, जो पार्टी सिस्टम होता है, पार्टी सिस्टम में कांग्रेस अब प्रमुख नहीं रही। उसकी जो प्रमुखता है, उसकी जो इंपोर्टेंस है, उसकी जो प्रायोरिटी है, वो अब नहीं रही। अब रीजनल पार्टीज का भारत, इंडियन पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टीज का उदय हुआ, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। अकाली दल पंजाब से, तमिलनाडु से, AIADMK जैसी पार्टियां, द्रमुक जैसी पार्टियां, अन्ना द्रमुक जैसी पार्टियां भारतीय राजनीति में मुख्य रूप से क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उभरी। उधर जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां। तो यही वो दौर था जब केंद्र में गठबंधन का दौर शुरू हुआ था, कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, क्योंकि कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल रहा था, तो बाकी जो भारत के राजनीतिक दल हैं उनको भी बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में गठबंधन का दौर शुरू हुआ सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के दौर की शुरुआत हुई। इसी समय से 1991 में जब इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शन में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है। और 1991 में, 1991 में कांग्रेस को 232 सीटें मिलती हैं,
232 सीट्स मिलती हैं। बीजेपी को लगभग 120 सीट्स मिली थी, लेकिन मेजोरिटी किसी को भी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर, रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर सेंट्रल पर अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी और प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। तो 1989 में क्या हो गया, कांग्रेस सिस्टम का क्या हो गया, अंत हो गया। पहला बड़ा बदलाव जो हुआ वो कांग्रेस में देखने को मिला। दूसरा, अगर हम देखें इसी दौर में मंडल मुद्दे का भी क्या हुआ, उदय हुआ था, द एमर्जेंस ऑफ मंडल इश्यू इन 1991। हालांकि मंडल मुद्दा जो है वो तो पहले से ही होना हो जाना चाहिए था, लेकिन 1991 में, 1990 में ऐसा क्या हुआ उसको हम यहां पर समझते हैं। जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी और उसी जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में मंडल आयोग का गठन किया था, मंडल कमीशन का निर्माण किया था। मंडल कमीशन का गठन पिछड़ी जातियों की स्थितियों की जांच करने के लिए हुआ था, उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए। और इसी मंडल आयोग ने, इसी मंडल कमीशन ने ओबीसी को, यानी कि अन्य पिछड़ी जातियों को, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया था। 27% आरक्षण देने का प्रावधान मंडल आयोग की सिफारिश में था, जो रिकमेंडेशन की गई थी मंडल कमीशन की, उसमें सबसे बड़ा जो प्रोविजन था वो यही था कि ओबीसी के लिए गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन करना। ये रिजर्वेशन के खिलाफ भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुए, कुछ लोग इस रिजर्वेशन के सपोर्ट में थे तो कुछ लोग प्रोटेस्ट में थे, विरोध में थे। और 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, जिसको नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट कहते हैं, उनकी सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम था उनका, बहुत बड़ा डिसीजन था। और इस तरीके से भारत में जहां एक ओर कुछ लोग इस आरक्षण के समर्थन में थे तो कुछ लोग इसके विरोध में थे, उनके बीच जो कलह, जो कलेश देखने को मिला, जो टक्कर देखने को मिली, इसी से मंडल मुद्दे का उदय हुआ। ये जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली सपोर्टर्स और जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके बीच में, अपोनेंट्स जो हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आई, और यहीं से एमर्जेंस हुआ मंडल इश्यू का। यही है मंडल इश्यू, मंडल मुद्दा। ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने से संबंधित है। तो इस तरीके से दूसरा बड़ा जो बदलाव देखने को मिला भारतीय राजनीति में, वो था मंडल मुद्दे का उदय होना, द एमर्जेंस ऑफ मंडल इश्यू। उसके बाद जो तीसरा बड़ा बदलाव, तीसरा बड़ा जो चेंजेस यहां पर देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो स्टार्ट है, वो राजीव गांधी के समय से ही हो गई थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने थे आप सभी को पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी के बाद बने थे। इंदिरा गांधी की डेथ या उनकी हत्या कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को, और उसके बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके तो उन्हीं राजीव गांधी की सरकार में भारत ने इकोनॉमिक क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत करी थी, और 1991 में आकर इन सुधारों ने अपना एक आकार लिया, अपना एक शेप लिया। लेकिन उस समय कई लोग इसके खिलाफ भी थे इन नीतियों के, इसलिए इनका विरोध हुआ। भारत में कई ऑर्गेनाइजेशन ने इनका विरोध किया, इन सुधारों का, आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए, लेकिन इन नई आर्थिक नीतियों ने, नए आर्थिक सुधारों ने भारत की इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की जो दिशा, जो आजादी के बाद से चली आ रही थी, उस दिशा को बदल दिया, वो डायरेक्शन चेंज कर दिया।
दिशा बदल दी गई। इन सुधारों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा में क्या हुआ, बदलाव आया। वो दिशा, वो डायरेक्शन जो आजादी के बाद से चली आ रही थी, वो दिशा क्या होगी, अब बदल गई। अब दिशा कहां गई, दिशा कैसी होगी, ये इकोनॉमिक्स का विषय है। देखिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। आजादी से पहले भारत ने, जिसको हम आज कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, जो योजना चली है भारत सरकार की, लगभग उसी तरीके से थी। बिल्कुल हम बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते हैं, आज भारत की सरकार, भारत सरकार इस बात पर जोर देती है कि हम अपने देश में ही प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, मेड इन इंडिया करेंगे। लेकिन तब ये था कि आयात और निर्यात के बीच का जो संतुलन है वो थोड़ा सा बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। जहां सरकार ने आयात पर रोक लगाई थी, वही दूसरी ओर निर्यात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और उस समय स्थिति ये थी कि भारत को जहां एक ओर अपना निर्यात बढ़ाना है तो वहीं आयात की भी जरूरत है भारत को, क्योंकि यही वो दौर है जब भारत के सामने भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो जाता है। अब ज्यादा गहराई में पड़ेंगे तो इकोनॉमिक्स का विषय आ जाएगा। तो दिशा बदलनी है तो दिशा जो बदली जाएगी वो आयात और निर्यात के क्षेत्र में ही बदली जाएगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में ही बदली जाएगी। यानी कि आप इंपोर्ट को बढ़ावा दोगे, ऑब्वियस बात है, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। या तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आओगे, या अपने ही देश की जो इंडस्ट्री है उनको डेवलप करोगे। तो ये वो दौर था जब नए आर्थिक सुधार हुए। इन नए आर्थिक सुधारों को, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, एक नाम आपको समझना होगा, एक और नाम से जाना जाता है, और जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं SAP, SAP। स्ट्रक्चरल मतलब क्या है इसका, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, इन नए आर्थिक सुधारों को, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, यानी कि ढांचागत समायोजन कार्यक्रम, ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के नाम से भी इन नए आर्थिक सुधारों को जाना जाता है। इसके बाद भारत की राजनीति में एक और बदलाव नजर आया 1992 में अयोध्या डिस्प्यूट के रूप में, जिससे भारत की राजनीति में धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रवाद को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म को लेकर एक नई यहां पर डिबेट शुरू हुई इस इवेंट के बाद, इस घटना के बाद, जो 6 दिसंबर, याद रखना, 6 दिसंबर 1992 में हुई थी। क्या हुआ था 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था, आइए समझते हैं। हुआ क्या, 16 शताब्दी में मीर बाकी द्वारा जो कि बाबर का एक सिपह सालार था, जनरल था बाबर का, उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। कहां, अयोध्या में। कहां पर किया था, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। और हिंदुओं का मानना यह रहा कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है, रामलला की जन्मभूमि है, यहीं पर ये बाबरी मस्जिद बनवाई है। तो 1940s के डिकेड में इस विवादित मुद्दे, इस विवादित साइट पर, इस विवादित स्थल पर, डिस्प्यूट साइट पर ताला लगा दिया गया, इस पर लॉक लगा दिया गया। और इस लॉक को 1985 में खोलने का आदेश दिया गया फैजाबाद जिला न्यायालय के द्वारा, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। इस, ये जो लॉक लगाया गया था, इसको अनलॉक करने का आदेश दिया गया 1985 में फैजाबाद जिला न्यायालय के द्वारा। और यहीं से शुरुआत हुई भारत की राजनीति में बाबरी मस्जिद की। बाबरी मस्जिद भारत की राजनीति में यहीं से एक मेन सेंटर पॉइंट बन गया। तो यहीं से घटना शुरुआत होती है और इसका अंत होता है 6 दिसंबर 1992 को, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है बाबरी मस्जिद का।
कब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है? 6 दिसंबर 1992 को। इससे भारत की राजनीति में क्या असर पड़ा? इससे भारत की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। क्यों? क्योंकि भारत एक सेकुलर देश माना गया, भारत एक सेकुलर देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और क्या इस धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरीके से अल्पसंख्यक लोगों के जो पूजा स्थल हैं उनको डिमोलिश करना सही है नहीं है, इसको लेकर एक बहस छिड़ गई। एनीवे, तो हमें ज्यादा गहराई में तो जाना नहीं, ये चीज समझनी है कि जो प्रभाव पड़ा वो क्या था, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहस शुरुआत हुई। इन घटनाओं का संबंध बीजेपी से था, बीजेपी का भी इसी दौर में, बीजेपी का भी भारत के राजनीति में क्या हुआ था, उदय हुआ था। मैंने इसको लेकर एक शॉर्ट सी बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप कि बीजेपी का उदय कब हुआ था, जन्म कब हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवें बड़े बदलाव के तौर पर, वो था राजीव गांधी की हत्या। बहुत दुखद घटना हुई, एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन 1991। मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु की चुनावी यात्रा पर थे और उसी समय लिट्टे के समर्थकों के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी की हत्या से ही कांग्रेस में एक नया बदलाव आया। अब कांग्रेस का जो नेतृत्व था, जो लीडर था, जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, उसमें चेंजेस देखने को मिले। वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं 1991 के इलेक्शन में, जब कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस की तरफ से जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। ये गांधी परिवार से नहीं थे, ये गांधी परिवार से नहीं थे, हाँ कांग्रेस पार्टी के थे लेकिन गांधी परिवार से नहीं थे। जैसा कि पहले से ही चला आ रहा था जवाहरलाल नेहरू के समय काल से, कांग्रेस की यदि सरकार बनती थी तो अवश्य ही वो नेहरू खानदान से ही होता था, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को यदि आप छोड़ें तो जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री बीच में आए, एंड देन उसके बाद इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा ही चली, राजीव गांधी। और फिर ये यहां पर देखने को मिला कि कांग्रेस के नेतृत्व में क्या होता है, परिवर्तन होता है और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये पांच वो बड़े बदलाव थे जो भारत के राजनीति में हुए 1980s के डिकेड में या 1990 के दशक में, जिनका प्रभाव आज तक भी हमारे देश की राजनीति में पड़ता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक होता है खत्म, नए टॉपिक को लेकर आते हैं नई वीडियो में। तो जय हिंद।